एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो आज है गणेश चतुर्थी, तो मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी गणेश पूजा। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं बाहर जाके अपना आउटफिट दिखाऊंगी। तो हम लोग एक जगह पे छोटा सा ही सेलिब्रेट कर रहे हैं गणेश पूजा। तो आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक देखो और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मैं बाहर चलती हूँ, तब तक के लिए टाटा। सो गाइज, हम लोग डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख ही रहे हो। गेंदा फूल से सारा ग्रिल को हम लोग डेकोरेट किए हैं, बस पंडित जी का वेट कर रहे हैं। इधर पे तो और मस्त लग रहा है, तो आप लोग जरूर कमेंट पे बताना आप लोग को कैसा लगा ये डेकोरेशन हम लोग का। अभी पंडित जी आए नहीं है, पंडित जी बोले थे 10 बजे आएंगे, पर अभी 12 बज चुका है, अभी भी वेट कर रहे हम लोग। सो ये भी है, आप लोग तो इसको ब्लॉग में बहुत पहले ही देखे होंगे, बहुत ही अच्छे से साड़ी पहनी हुई है। कौन पहना है तुमको साड़ी? मैं खुद ही ये पहनी है और मेरे को भी यही साड़ी पहनाई है। तो आप लोगों को मैं थोड़ा देर बाद अपना आउटफिट दिखाऊंगी। चलो तुम भी हाई कर दो इधर पे कैमरा में। आप तो मेरे बर्थडे का ब्लॉग में देखे होंगे इस छोटू को, तो ये भी आ गया, विश कर दो। तो गाइस, हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये देखो, मैंने गणपति बप्पा का ड्रेस पहना है। हां, ऊपर दिखाने दो अच्छे से, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरा ये आज का आउटफिट है गणेश पूजा का। आप लोग बताना कि साड़ी कैसे पहने, कुछ से तो हम पहने नहीं, आपको तो बताया कि वो मेरे को पहना दी है और बहुत ही अच्छे से पहना चुकी है। आप लोग कमेंट पे जरूर बताने कि मैं आज कैसी लग रही हूँ और बाकी सब भी। सिस्टम एल्विश भैया। और यहाँ पे हम लोग का गणेश जी और लक्ष्मी जी है, तो हम लोग ये कल खरीदे थे एक दिन पहले, और ये पूरा सिल्वर का है ताकि हम लोग अपने पास रख पाए। और यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं, तो अपना सजावट कर रहे हैं, थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी। पंडित जी के आने के पहले हम लोग सब कुछ सजा के ही रख चुके थे, बस पंडित जी का ही वेट करते करते हम लोग मतलब पूरे दिन भूखे ही थे, भूख भी लग चुका था, पर कोई नहीं। और ये रही मैं, तो मैं कैसे लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताना। तो चलो अभी पहले कर लेते हैं काम सब, क्योंकि अभी थोड़ा देर में पूजा स्टार्ट हो जाएगी और ऊपर से टाइम भी हो चुका है, अभी दोपहर का 1 बज चुका है। तो पंडित जी तो लेट से आए क्योंकि पंडित जी को और जगह पर पूजा भी करना था। और मैं अभी सजा रही हूँ दिया, पंडित जी बोले कि गेट पर देने के लिए, तो मैं अभी दे रही हूँ। और ये अभी दिया के नीचे रंगोली दे रही है, तो इसको बहुत अच्छा रंगोली आता है, पर टाइम नहीं था क्योंकि पंडित जी आके बोले कि थोड़ा सा रंगोली से बना ही दो। तो हम लोग सोचे तो छोटा सा ही करते, अगर पता रहता तो पहले ही हम लोग अच्छा खासा बना लेते, पर कोई नहीं, पर बहुत अच्छा ही लग रहा है। आप लोग कमेंट पर ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कैसा लगा। मेरे को तो ये छोटा वाला बहुत ही अच्छा लगा। और अभी ये हवन के लिए बनाया जा रहा है, तो इसमें घी वगैरह सब कुछ डाल के अभी रेडी करके रखना पड़ेगा। थोड़ी देर में हवन होगा तब हम लोग इसको डालेंगे हवन में। आप लोग को मैं आगे दिखाऊंगी हवन जो होगा हम लोग का यहाँ पे। नम प्रतिगृहतम त्र्यंबकम यजामहे स्वगन बोले ओम रक्षा रक्षा कुछ विशेष दक्षिणा बाधा विनम तो। और यहाँ पे मैं टीका लगा रही हूँ, पंडित जी बोले गेट पे 5 बार टीका लगाने के लिए। और फाइनली हम लोग का हवन कुट रेडी हो चुका है। और ये हम लोग दान पे दिए हैं धोती और गमछा जो कि पंडित जी को देंगे। हम लोग फाइनली पूजा कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग तो देख ही होंगे, प्रसाद भी खा लिए। और ये रहा प्रसाद हम लोग का। सो गाइज, मैं शाम को आई हूँ अपने मोहल्ला का मूर्ति देखने के लिए, सोची आप लोग को भी दिखाई देती हूँ। तो देखो कितना अच्छे से पैंडल बनाया गया है यहाँ पे। और चलो गणपति बाबा को दिखाती हूँ, तो ये रहे गणपति बाबा। तो आप लोग कमेंट पे बताना कि कैसे लग रहे हैं, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। पूजा प्रांगणे भोग वितरण शुरू हो गया, जरा जरा भोग दीते इच्छुक तारा तारा पूजा प्रांगणे से भोग निये जान।
और यहाँ पे भोग दिया जा रहा है जो कि खिचड़ी है। तो भोग आप लोगों को पता ही है कि कितना टेस्टी होता है, टेस्टी मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे कहीं का भी भोग हो। तो यहाँ पे सब कोई को दिया जा रहा है। अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को मैं दिखाई कि अनाउंसमेंट हो रहा था, सब कोई को बुला के दिया जा रहा था। यहाँ पे आप टिफ़िन भी ला के लेके जा सकते हो, मैं तो खाई बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे मिल रहा है खिचड़ी, आलू दम, चटनी भी मिल रहा था, और ये रहा रंगोली। तो रंगोली भी बहुत ही बढ़िया बनाया गया है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी मैं दूसरे पंडाल पे आ चुकी हूँ, तो यहाँ पे भी गणपति पापा है। तो आप लोग बताना कि आप लोग को ये कैसे लगे। और अभी यहाँ पे पूजा हो रही है। अब मैं अभी ठठ पंडाल में आ चुकी हूँ अपने मोहल्ला का। तो यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा लग रहा है, देखो कितना मस्त डेकोरेशन किया गया है। तो आप लोग कमेंट पे बताना कि यहाँ पे कैसा लगा आप लोग को। मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा लगा एकदम। देखो गणपति बाबा को भी कितना मस्त सजाया गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट पे बताना। तो गाइस मैं फाइनली घर वापस आ गई। तो आप लोग देखे होंगे कि हम लोग कैसे गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन किए हैं। तो आप लोग कमेंट पे जरूर बताना कि आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट किए हैं। तो मैं अभी गई थी मोहल्ला में गणेश मूर्ति देखने के लिए, तो मैं ज़्यादा दूर तो गई नहीं, बस मोहल्ला में ही देख के आ गई। तो आप लोग कमेंट पे बताना कि आप लोग कितना मूर्ति देखे और आप लोग कैसे सेलिब्रेट किए। तो चलो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा।